खबरें ये हैं। अब माता पिता के ऊपर तो कानूनी पचड़ा है ही, जिसमें वो फंसते जा रहे हैं, लेकिन पूजा खेड़कर का जो बंगला है उसका भी निरीक्षण किया है नगर निगम ने, और खबर ये मिल रही है कि बुलडोजर चल सकता है, कार्रवाई आगे सख्ती से की जा सकती है। क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर बात आईएएस पूजा खेड़कर की करें तो लगातार उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां उनके ऊपर समिति जो है वो बैठक कर रही है और दो हफ्ते के अंदर उनको रिपोर्ट सौंपनी है, और उस रिपोर्ट के बाद उनके आईएएस बने रहने के जो भविष्य है उसको लेकर स्थितियां स्पष्ट होंगी। दूसरी तरफ अब मुंबई में लगातार जो है वो महाराष्ट्र में एक्शन पूजा खेड़कर के ऊपर हो रहा है। पुणे में जो उनका आवास है उस आवास का जो फ्रंटल बाउंड्री वॉल है उस बाउंड्री वॉल को प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया गया है और बताया जा रहा है कि वो बाउंड्री वॉल जो है वो किसी भी वक्त गिराया जा सकता है। एक तरफ जहां उनके पिता और माता समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और ये बताया गया है कि कैसे इन लोगों ने जमीन हड़पने की जबरन कोशिश की। एक साल पहले का ये पूरा मामला है, 5 जून को जब पिछले साल पूजा खेड़कर की मां अपने तमाम बाउंसर्स के साथ किसान के पास पहुंचती है और उसे धमकाती है कि वो अपने इस आसपास के खेत को जो है वो खाली कर दे, जिसके बाद जो मुंबई पुलिस के सुप्रीम टंडन ने उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि एक साल पहले भी इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत में पिस्टल का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन इस बार जब किसान पहुंचते हैं पुलिस के सामने तो बताते हैं कि कैसे वो तमंचा लहराते हुए उनके पास पहुंचती है, उन्हें धमकाती है। जी, वैभव बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। वैभव और अनूप आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, पूजा खेड़कर के साथ साथ अब उनके माता पिता भी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दरअसल पूजा खेड़कर के साथ ही उनके पूरे परिवार को अपनी पूरी एक पावर पर, आपको बता दें, अपने रसूख और दबदबे का घमंड जबरदस्त था, और उसी के चलते पूजा खेड़कर की मां मनोरमा का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और वो वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद कौन सी नई कहानी सामने आई वो इस रिपोर्ट में देखिए। बेटी हेकड़ी बाज है तो माँ बंदूक बाज है। जो लहजा बेटी का है उससे कहीं ज्यादा तीखे तेवर माँ के हैं। बेटी पावर का दम दिखाती है तो माँ सीधे पिस्टल से हड़काती है। बेटी को चाहिए नीली बत्ती लगी ऑडी कार तो माँ पर है पैसा और पावर दोनों की हनक सवार। जी हाँ, ये रौबीला अंदाज, हाथों में पिस्टल, पीछे वीआईपी नंबर वाली एसयूवी गाड़ी और साथ में 2-4 बाउंसर। आपको देखने में भले ही ये किसी फिल्म की शूटिंग लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि किसी मूवी की शूटिंग नहीं है। ये ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की माँ मनोरमा खेड़कर का जलवा है, जिसमें वो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाती दिख रही हैं, किसानों को धमका रही हैं, किसानों पर रौब जमाती। प्रोबेशनर आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की माँ मनोरमा खेड़कर का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस वीडियो में किसानों को धमका रही है, उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसका विरोध जब किसानों ने किया तो उल्टा हाथ में गन लेकर किसानों को धमकाने लगी। बताया जा रहा है कि वीडियो पुणे जिले के मुलशी तालुका का है, जहां ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के परिवार ने 25 एकड़ जमीन खरीदी है। दावा ये किया जा रहा है कि ये विवाद खेड़कर परिवार के खरीदे गए जमीन के पड़ोस के किसान की है, जिसे पूजा खेड़कर की मां धमका रही है, किसान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खेड़कर परिवार के दबंगई की ये तो महज झांकी भर है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां का असली मिजाज क्या है, ये पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के दूसरे वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में भी मनोरमा खेड़कर घर के बाहर खड़ी मीडिया को धमकाती दिख रही हैं, कैमरे पर हाथ मार रही हैं, हमला कर रही हैं, मीडिया का सवाल पूछना इन्हें इतना नागवार गुजर रहा है कि वो सभी को जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। दरअसल ये ठसक, ये रुआब ऐसे ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस तेवर के पीछे खेड़कर परिवार की करोड़ों की वो दौलत है जो विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने अपने सरकारी सेवा के दौरान कमाए हैं। बताया जाता है कि इस परिवार के पास 40 करोड़ की संपत्ति,
जिसमें 110 एकड़ कृषि भूमि, 22 करोड़ की फ्लैट्स, 8 करोड़ की कमर्शियल दुकानें, 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि, 87 लाख की ज्वेलरी, 17 लाख की सोने की घड़ी, 2 प्राइवेट कंपनियां, 1 ऑटोमोबाइल फर्म, 4 लग्जरी कार और करोड़ों की अघोषित संपत्तियां हैं। अब आप सोचेंगे कि खेड़कर परिवार ने इतना सब कुछ कैसे हासिल किया, तो इसके पीछे इस परिवार का इतिहास भी जान लीजिए। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती है। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर रिटायर्ड अधिकारी हैं। पूजा की मां भालगांव गांव की सरपंच है। पूजा के दादा भी एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। हालांकि खेड़कर परिवार के पास करोड़ों की यही दौलत अब ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के गले में मुसीबत की हड्डी बनकर फंस गई है, जिसमें अगर आरोप साबित हो गए तो पूजा की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि पूजा ने आईएएस में भर्ती होने के लिए यूपीएससी को जो जानकारी दी थी, आरटीआई में हुए इस खुलासे के मुताबिक पूजा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इसकी जानकारी नहीं दी थी। पूजा ने खुद के क्रिमिलियर होने की जानकारी यूपीएससी से छिपा ली थी। साथ ही उन्होंने यूपीएससी को दिव्यांग सर्टिफिकेट भी दिया था। यही वजह है कि इस वक्त ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर पर छाए विवाद को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उबाल है और उनके खिलाफ जांच चल रही है, और अगर आरोप साबित हो गए तो कहीं न कहीं उस झटके से खेड़कर परिवार की ठसक जरूर कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी को लेकर फेक पोस्ट किया था, यह आरोप ध्रुव राठी के खिलाफ लगा है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इसी को लेकर। फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी को लेकर फेक पोस्ट का इन पर आरोप है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की बढ़ाई गई शक्तियां। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया है। दिल्ली के एलजी की तरह प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। योगी राज में यूपी की लंबी छलांग। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में परफॉर्मेंस से फ्रंटरनर बना प्रदेश। नीति आयोग ने जारी किया इंडेक्स। देहरादून में रेडियो एक्टिव डिवाइस मिलने से सनसनी। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के नेताओं के साथ अमरावती का दौरा किया। कोलानुकोंडा इस्कॉन मंदिर में सभी मंत्रियों ने दर्शन किए।